सुजानपुर नगर परिषद के भाजपा समर्थित पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रमन भटनागर ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है। इस दौरान सुजानपुर के कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा भी मौजूद रहे। विधायक राजेंद्र राणा ने रमन भटनागर को कांग्रेस का पटका पहनाकर विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल किया है। इस दौरान रमन भटनागर ने कहा कि भाजपा के समय उनके कार्य पूर्ण नहीं हो सके, जिसके चलते उन्होंने आज भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है। भटनागर ने कहा कि आज सुजानपुर में जो विकास हुआ, चाहे वह मिनी सचिवालय, सब्जी मंडी, एसडीएम कार्यालय हो, ये सब विधायक राजेंद्र राणा और कांग्रेस पार्टी की देन है। इस विकास के कार्यों को लेकर इसलिए आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। वहीं इस मौके पर मौजूद विधायक राजेंद्र राणा ने कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर रमन भटनागर को कांग्रेस में शामिल किया है। इस दौरान विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा सरकार को प्रदेश में लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सुजानपुर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं किया गया है, जिसके चलते लोग भाजपा पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। राणा ने कहा कि कांग्रेस ने सुजानपुर में विकास कार्य को करवाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन भाजपा ने इन विकास कार्यों को रुकवाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। सुजानपुर में कांग्रेस पार्टी के समय टाउन हॉल बनाने के लिए शिलान्यास पत्थर रखवाया गया था। शिलान्यास करने के बाद टाउन हॉल का निर्माण करने के लिए 75 लाख रुपए की किस्त भी जारी सरकार से करवाई थी, मगर भाजपा सरकार के समय विकास कार्यों पर विराम लग गया है। रमन भटनागर जो कि नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में पार्षद भी है 1 नंबर वार्ड से, आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ, इनके परिवार का स्वागत करता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी में इनका पूरा मान सम्मान भी किया जाएगा। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी इनके साथ बड़े पुराने घनिष्ठ संबंध हैं और बीजेपी में जरूर थे, परंतु कई बार इनका शरीर होता था वहां पर आत्मा निरंतर हमारे साथ होती। आज शरीर और आत्मा दोनों जो है उनका मिलन हुआ है और शरीर और आत्मा के साथ आज हमारे बीच में आए हैं और मैं इनका स्वागत करता हूँ। और लगातार पिछले लंबे से समय से सुजानपुर के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और भविष्य में और मजबूती से लोगों का, अपने वार्ड का, सुजानपुर शहर के लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे, उनकी समस्याओं को हल करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं फिर से इन सबका पार्टी में आने पर जोरदार स्वागत करता हूँ। मेरा राणा जी का तो बहुत पहले से ही मैंने समर्थ था, ये ठीक है इनकी पार्टी लग थी मेरी लग थी, परंतु मैं लग पार्टी में था तो भी मेरे बहुत काम किए और मेरे पर्सनल काम ही नहीं किए, लोगों के मैंने इससे काम बहुत करवाए और शहर के भी उससे मैंने बहुत काम करवाए। जैसे मैंने कोई सब्जी मंडी कहा तो उन्होंने सब्जी मंडी दी और इन्होंने जो काम किए उसका तो सुजानपुर वाले सदा ऋणी रहेंगे। एस डी एम उसके लिए तो मेरे हिसाब से जो कभी नहीं बन सकता था जो उन्होंने बनाया, इतनी बड़ी मिनी सेक्रेटरी बिल्डिंग बन रही है, एक इतिहास है, नगर परिषद, अपना सिविल हॉस्पिटल, आईटीआई की बिल्डिंग और अपना सब्जी मंडी, पता कितने भी काम करे जो गिनती नहीं हो सकती उनकी। और जब मैं अध्यक्ष था सरकार कांग्रेस थी और मैंने जब बाजार बनाया तो अपने ही लोगों ने कुछ ने मेरा बहुत विरोध किया, परंतु राणा जी को सब मेरे साथ आशीर्वाद था और यह बाजार इनके ही आशीर्वाद से बना। जब तक इनकी सरकार थी मैं 2.5 साल अध्यक्ष रहा सुजानपुर का, इनके आशीर्वाद से मैंने 2 करोड़ के काम कराए और जब इनकी सरकार चली गई मेरी अध्यक्ष मैंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया 2.5 साल के बाद, उसके बाद अब जी अशोक मेहरा प्रधान बने हैं एक भी काम नहीं करवा सके, जबकि कमेटी में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, प्रस्ताव पढ़ते हैं प्रस्ताव पड़े रह जाते हैं और टेंडर कैंसिल हो जाते हैं, उसके बाद एक भी काम जो है उन्होंने नहीं किया। और कुछ बीजेपी वाले मेरे को टोन करते थे कि राणा कादमी है, परंतु मैं राणा जी की महानता का बहुत ऋणी हूँ कि मैंने इनके आशीर्वाद से पहले इलेक्शन लड़ा था और फिर भी मैंने नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनवाई, परंतु उन्होंने फिर भी मेरे साथ कभी गुस्सा नहीं किया, फिर भी मेरे काम करते रहे, ऐसा लीडर मिलना बहुत मुश्किल है। मैं राणा जी के साथ हूँ, राणा जी के साथ रहूंगा, ये जहां भी जाएंगे मैं इनके साथ ही चलूंगा।